नमस्कार दोस्तों, ग्वालियर रेल न्यूज़ के नए एपिसोड में मैं विजय कार्तिकेय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हमारे पास आपके लिए कुछ खुशखबरियां हैं। पहली भोपाल इंटरसिटी के बारे में, जिसके बारे में हम भी लंबे समय से मांग करते आ रहे थे। दूसरी मुंबई राजधानी के स्टॉपेज के बारे में, और तीसरी चौथी रेल लाइन के ग्वालियर से बाईपास के रूप में गुजरने के बारे में। ये तीनों ही प्रस्ताव अगर साकार हो जाते हैं तो न सिर्फ यात्रियों को नई सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि टेक्निकल रूप से भी ग्वालियर रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो सकेगा। देखने की बात यही है कि ये प्रस्ताव साकार होने में कितना समय लगता है, पर उम्मीदें बरकरार हैं और हमें लगता है कि जल्दी ही ये प्रस्ताव धरातल पर उतरेंगे और हम सब लोगों के लिए वरदान बनेंगे। भोपाल इंटरसिटी अपनी गलत टाइमिंग और अधिक यात्रा समय की वजह से रेलवे के लिए एक घाटे का सौदा बनी हुई है, और यात्री भी चाहकर इसका अधिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब जाकर इस ट्रेन को ओवरनाइट ट्रेन के रूप में चलाए जाने का प्रस्ताव सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय सांसद श्री विवेक शेजवलकर जी ने इस बारे में रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है, इस ट्रेन को ओवरनाइट ट्रेन के रूप में चलाया जाए। हम इस प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले भी हमने इस बारे में कई वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। हमारा मानना है कि भले ही इस ट्रेन को भिंड से भी चलाया जाए, भिंड ग्वालियर शिवपुरी गुना होते हुए इस रूट पर यह ट्रेन ओवरनाइट ट्रेन के रूप में निश्चित रूप से यात्रियों के लिए वरदान बनेगी और रेलवे के लिए भी राजस्व का साधन बनेगी। मुंबई राजधानी का संचालन शुरू हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक इस ट्रेन को ग्वालियर में स्टॉपेज नहीं दिया गया है। स्थानीय नागरिक संगठन, जनप्रतिनिधि और यहां के सांसद विवेक शेजवलकर भी इस बारे में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कारण बताकर रेलवे बोर्ड इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। इस अभियान को पिछले दिनों काफ़ी बल मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने DRM के थ्रू रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज ग्वालियर में दिए जाने की मांग की है। उनका मानना है कि ग्वालियर से मुंबई और दिल्ली के लिए बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। ट्रेन का स्टॉपेज दिए जाने से यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी और रेलवे को राजस्व भी प्राप्त होगा। आने वाले नगर निगम चुनावों के माहौल को देखते हुए इस अभियान को काफ़ी बल मिला है, और इस बात की बहुत संभावना है कि जल्द ही हम इस ट्रेन को ग्वालियर में रुकते हुए आने वाली कुछ ट्रेनों के टाइम टेबल में परिवर्तन किया गया है। इनके समय में 3 से 10 मिनट तक का अंतर आ गया है। कृपया इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ऐसा न हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए। 1261 गरीब रथ एक्सप्रेस जो 6:51 पर आती थी, अब 6:35 पर आएगी। 12001 शताब्दी एक्सप्रेस 741 पर आती थी, अब वो 738 यानी 7:38 पर आएगी। 12002 शताब्दी एक्सप्रेस जो 9:28 पर आती थी, अब 9:25 पर आएगी। 11449 दुर्गावती एक्सप्रेस 4:20 पर आती थी, अब वो 4:10 पर आएगी। 22182 जबलपुर सुपरफास्ट जो रात 10:23 पर आती थी, वो अब 10:15 पर आएगी। 12752 हम सफ़र एक्सप्रेस जो 10:40 पर आती थी, वो 10:30 पर आएगी। 12616 GT एक्सप्रेस जो 11:26 की बजाय 11:16। कानपुर रेलखंड पर रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 60 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। ये ट्रेनें कानपुर उरई झांसी के रास्ते न चलकर कानपुर इटावा भिंड ग्वालियर के रास्ते चलेंगी। इनमें ग्वालियर से झांसी होकर बरौनी जाने वाली बरौनी मेल भी शामिल है। ये ट्रेनें 23 फरवरी से 4 मार्च तक बदले हुए मार्ग पर चलेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 15066 पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15064 लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12143 लोकमान्य तिलक सुल्तानपुर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 11124 ग्वालियर बरौनी मेल, गाड़ी संख्या 15015 गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, और
गाड़ी संख्या 12521 बरौनी एर्नाकुलम राप्ती सागर एक्सप्रेस इस परिवर्तन में शामिल है। स्टेशन पर जल्द ही हेल्थ एटीएम मशीन लगने जा रही है। इस मशीन के माध्यम से यात्री अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकेंगे। यात्री 50 से 100 रुपये खर्च कर एक दर्जन से अधिक जांच करवा सकेंगे। हेल्थ एटीएम के माध्यम से बोन टेस्ट, बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज, फैट, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, शरीर का तापमान आदि कई प्रकार की जाँच हो सकेंगी। इसकी रिपोर्ट यात्रियों को 10 मिनट में मोबाइल और ईमेल के माध्यम से मिलेगी। इस तरह की मशीनें सभी बड़े स्टेशनों पर लगवाने की तैयारी झांसी मंडल ने शुरू कर दी है। पहले चरण में झांसी और ग्वालियर जैसे बड़े स्टेशन पर यह मशीन लगाई जाएगी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हर दिन 60,000 के आसपास यात्रियों का आवागमन होता है। इसको देखते हुए इस स्टेशन का चयन किया गया है। ट्रेनों में जल्द ही ऑटोमेटिक फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगने जा रहा है। रेल मंडल झांसी ग्वालियर से संचालित होने वाली ट्रेनों के वातानुकूलित कोचों को आग की घटनाओं से सुरक्षित करने जा रहा है। यह सिस्टम झांसी और ग्वालियर से चलने वाली एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के 45 एसी कोचों में लगाया जाएगा। इसके चलने से चलती ट्रेन से धुआं उठते ही कोच के अंदर लगा अलार्म सिस्टम बज जाएगा और ट्रेनों के पहिए थम जाएंगे। यह सिस्टम ग्वालियर से चलने वाली बरौनी मेल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ग्वालियर पुणे एक्सप्रेस, चंबल एक्सप्रेस और ग्वालियर रतलाम एक्सप्रेस में लगाया जाएगा। गौरतलब है, कई बार ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं होने से काफ़ी नुकसान होता है। यह सिस्टम लगने से इन घटनाओं पर काफ़ी हद तक रोक लग सकेगी। यह सिस्टम एसी कोचों के दोनों दरवाजों पर लगाया जा रहा है। कोच के अंदर बीच में भी अलार्म रहेगा। इस पूरे सिस्टम को एयर ब्रेक सिस्टम से जोड़ा जाएगा। जैसे ही कोच के अंदर कहीं ज़्यादा मात्रा में धुआं होता है, यह सिस्टम तत्काल कार्य करना शुरू कर देगा। पूरा सिस्टम 4 चरणों में काम करेगा। पहला सिस्टम अलर्ट, फिर एक्शन और फिर उसके बाद फायर 1 और फायर 2 के तहत काम करेगा। जैसे ही फायर 2 पर तकनीकी रूप से काम करेगा, एक हूटर बजने के साथ साथ ट्रेन में ब्रेक लगेंगे और वो रुक जाएगी। रेलवे की रिसर्च विंग रेलवे डिज़ाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रणाली में सुधार किया है। प्रयोग के तौर पर सुशासन एक्सप्रेस में सिस्टम को लगा दिया गया है। छोटे रेलवे स्टेशनों की दशा सुधारने का काम रेलवे ने शुरू कर दिया है। बिरला नगर, शनिचरा सहित क्षेत्र के 13 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। यहाँ पर बिजली, पानी व टॉयलेट की समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तर मध्य रेलवे के बी और सी श्रेणी के छोटे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जाना प्रस्तावित है, जिससे बुजुर्ग व महिला यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में दिक्कत न हो। बिरला नगर में यह काम पहले ही हो चुका है। वर्तमान में शनिचरा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने का काम चल रहा है। फिर यह काम मालनपुर में शुरू होगा। योजना में बिरला नगर, भद्रौली, शनिचरा, रिटोरा कला, मालनपुर, नौनेरा, रायतपुरा, गोहद, सौदा, सोनी, अशोकर, यतहार आदि स्टेशन शामिल हैं। यहाँ पर बिजली, पानी, टॉयलेट सहित अन्य सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई शिकायत हो ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाएगा और आपकी की गई शिकायत हमें सुधार का मौका देगी। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें इस कामना के साथ मैं विजय कार्तिक शर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।